कन्नन गोपीनाथन ने हाल में ही जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और मूलभूत अधिकार जैसी वजहों को देकर इस्तीफा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कन्नन के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी ऑर्डर का पालन नहीं किया। कन्नन ने ट्वीट करके बताया है कि उन पर 5 पॉइंट्स में आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में उन पर वक्त पर फाइल नहीं जमा करने, बिजली की अंडरग्राउंड केबल बिछाने और बिजली के खंभे शिफ्ट करने के काम में देरी होना शामिल है। 2018 में केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आधिकारिक दौरे की रिपोर्ट आला अधिकारियों को नहीं देने और प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए नामांकन से संबंधित फाइल वक्त रहते जमा नहीं करने और कई मौकों पर अपने कंट्रोलिंग अफसर को जानकारी दिए बिना फाइल्स प्रशासन के पास जमा कराने के आरोप लगाए गए हैं। कन्नन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यकाल के दौरान मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और अथॉरिटीज ने इसे अप्रूवल भी दिया था। 2017 और 2018 में 10 पॉइंट वाले एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे 9.95 पॉइंट्स दिए थे। ये अप्रेजल रिपोर्ट 24 दिसंबर 2018 को सबमिट की गई थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया था। कन्नन ने आगे कहा कि मैंने अपने पॉइंट्स को लिखकर जवाब दे दिया है। करीब 2.5 महीने पहले मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया था और अब मेरे इस्तीफे की प्रोसेसिंग की जगह ये चार्जशीट भेज रहे हैं। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है। प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए आवेदन नहीं करने पर इससे पहले कभी भी किसी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर किया गया। कन्नन ने 23 अगस्त को अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। इसके पीछे उन्होंने कश्मीर घाटी में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कारण बताया था। रेजिग्नेशन देते हुए उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक राज्य जम्मू और कश्मीर को बंद कर दिया और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन तक किया। आगे चलकर अगर कोई पूछे कि ऐसे वक्त में मैं क्या कर रहा था, तो मेरे पास देने के लिए कम से कम ये एक जवाब तो होगा कि मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम Instagram पे भी हैं तो और वीडियोस के लिए हमें वहां जरूर फॉलो करिए। थैंक यू। दी लल्लनटॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लनटॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लनटॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लनटॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लनटॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लनटॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।